कोविड-19 के दृष्टिगत वर्तमान समय में प्रभावी लॉकडाउन के दौरान तिलक मैरिज हॉल थाना कोतवाली को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित कराते हुए उसमें कुल 33 व्यक्तियों को क्वारंटाइन कराया गया था, जिसमें 28 मई को 8 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण उन्हें आइसोलेशन के लिए BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। किंतु अभी भी उस क्वारंटाइन सेंटर में 25 व्यक्ति रह रहे हैं, जिनके भी स्वास्थ्य का परीक्षण होना आवश्यक है। इसी के साथ चिलवाताल और पिपराइच में 2 नए हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिगत उस क्वारंटाइन सेंटर को सील करते हुए क्वारंटाइन सेंटर के दक्षिण ओर करीब 400 मीटर का एरिया सील करने का आदेश निर्गत किया जा चुका है। संबंधित मोहल्ले मौजे के निवासियों के लिए विभिन्न आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए 5 अधिकारी को नामित किया गया है, जो अपने कार्य क्षेत्र में सौंपे गए उत्तरदायित्व का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। नामित अधिकारियों के संबंध में SDM सदर ने बताया कि सैनिटाइजेशन का कार्य के लिए मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्यान्न के सार्वजनिक वितरण के लिए पूर्ति निरीक्षण सदर, स्वास्थ्य परीक्षण कार्य के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सघन चेकिंग कार्य प्रभारी निरीक्षण थाना कोतवाली के अतिरिक्त इंसिडेंट ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, आज जैसे कल हमने यहाँ तिलक मैरिज में बनाया था थाना कोतवाली अंतर्गत, आज थाना चिलवाताल में हॉटस्पॉट बना है और थाना पिपराइच में भी हॉटस्पॉट बना है। तो हमारे जो हॉटस्पॉट की संख्या थी 3 कम हुई थी, जो हमने 3 रिलीज किए थे, इसके बाद आज हमने 2 हॉटस्पॉट नए बनाए। इसके अतिरिक्त जो अभी देखेंगे जो हॉटस्पॉट बने हुए थे नवापार में, उसका में वहाँ पे कुछ लोगों के अभी टेस्ट और कराए हैं, वो भी पेंडिंग है। तो देखा जाएगा, कल भी हो सकता है कुछ और टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी तो कुछ और पॉजिटिव मिलेंगे, तो उसके संदर्भ में और हॉटस्पॉट बन सकते हैं। अभी फिलहाल आज हमने 2 हॉटस्पॉट बनाए हैं।